ताजमहल को हम प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। भारत में एक और ऐसी सीक्रेट जगह है जो ताजमहल से भी बड़ा आइकॉन ऑफ लव है। इसकी एंट्री फीस जीरो है और यहाँ लाखों लोग रोते रोते आते हैं लेकिन हंसते हंसते चले जाते हैं। कौन सी जगह है ये? इस प्यार के मॉन्यूमेंट के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि प्यार होता क्या है। प्यार क्या होता है ये मैं नहीं जानता। इतने बड़े सवाल का जवाब मैं अकेले नहीं दे सकता। आई नीड हेल्प ऑफ अ फ्रेंड। दोराबजी टाटा। रतन टाटा को हम सब जानते हैं, JRD की महानता मानते हैं, जमशेद जी की आइकॉनिक स्टोरीज बच्चों को बताते हैं, लेकिन हमारी कहानी के हीरो हैं दोराबजी टाटा। भारत की पहली टीम को ओलंपिक्स भेजने में इनका ही हाथ था। इन्होंने पर्सनली हमारी हॉकी टीम को फंड किया, वही टीम जो बाद में भारत के लिए गोल्ड जीती। 14 फरवरी 1898 यानी वैलेंटाइंस डे पर उनकी शादी इस कहानी की हीरोइन मेहरबाई से हुई। और प्यार में जैसे हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उन्होंने 2 साल बाद अपनी एनिवर्सरी पर अपनी वाइफ को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक डायमंड। साधारण डायमंड नहीं, कोहिनूर हीरे से 2 गुना बड़ा डायमंड। वजन 245 कैरेट्स, कीमत 1 लाख पाउंड्स, यानी आज के जमाने में 131 करोड़। इसका नाम था जुबली डायमंड। लंदन के जिन कारागिरों ने इस हीरे पर काम किया, उन्होंने सोचा इंग्लैंड की महारानी के सर का ताज होगा ये हीरा। लेकिन टाटा के कुछ और ही प्लान्स थे, उन्होंने अपनी वाइफ मेहरबाई के लिए ये हीरा खरीदा। मेहरबाई थी ही उतनी स्पेशल। When the whole world didn't allow their women to vote, she asked this question कि हमारी औरतें लीडर्स क्यों नहीं हो सकती, चाहे वो US के प्रेसिडेंट से मिलना हो या इंग्लैंड के राजा रानी से। वो ड्रेस नहीं एक साड़ी पहनती थी, अपना कल्चर बड़े शान से उन्हें दिखाती, और इसी के साथ ये हीरा भी। जो इंग्लैंड की महारानी का भी नहीं हो सका वो टाटा ने अपने बीवी के लिए खरीदा। प्यार क्या होता है? शायद महंगे गिफ्ट्स देना ही प्यार है। तो फिर ये डायमंड कहाँ गया? जमशेद जी टाटा के बाद दोराबजी टाटा ने टाटा के सारे बिजनेसेस की डोर संभाली। टाटा भारत की सबसे बेहतरीन कंपनी तो थी ही, लेकिन स्टील सेक्टर में विश्व की सबसे बेहतरीन कंपनी बनने के कगार पर थी। लेकिन टाटाज को भी किसी की बुरी नजर लग गई। World War I के बाद टाटाज पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पैसे नहीं थे, लेबरर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1924 में दोराबजी टाटा को खबर आई कि ट्रेजरी में से सारे पैसे खत्म हो चुके, मजदूरों को मेहनताना देने तक पैसे नहीं थे। अपने पति और उनकी कंपनी को मुसीबत में देख मेहरबाई ने क्या किया? बिना किसी हेजिटेशन के अपनी सारी ज्वेलरी गिरवी रख दी, और उसकी टोटल वैल्यू थी उस जमाने की 1 करोड़ रुपए। इसमें जुबली डायमंड भी शामिल था। तब बैंक से लोन लेकर टाटा ने अपने सारे मजदूरों को रोजगार दिया। एक भी मजदूर को नौकरी गंवानी नहीं। प्यार क्या होता है? किसी अपने के लिए अपनी प्यारी चीज सैक्रिफाइस करना, शायद यही प्यार है। कुछ साल बाद इसी सैक्रिफाइस की वजह से कंपनी ने रिकवर किया और फिर से टाटा स्टील दुनिया की बेस्ट स्टील कंपनी बनने की कगार पर आ गई। मेहरबाई और दोराबजी के इस सैक्रिफाइस की वजह से ही आज टाटा कंपनी जिंदा है। धीरे धीरे करके दोराबजी ने अपने बीवी के सारे गहने भी बैंक से छुड़वा लिए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन प्यार की असली परीक्षा अभी बाकी। 1931 में मेहरबाई ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई। वो 50 साल की थी तब उन्हें उनके कैंसर के बारे में पता चला। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। दोराबजी ने बड़े से बड़े डॉक्टर को कंसल्ट किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। जो इंसान अपने मजदूरों की इतनी चिंता करता है, उनके भले के लिए इस हद तक जाता है, उस इंसान ने अपने प्यार के लिए क्या क्या किया होगा। लेकिन इस लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। 1931 में मेहरबाई चल बसी और उसके अगले साल ही दोराबजी। लेकिन गुजरने से पहले उन्होंने अपने प्यार की एक निशानी पीछे जरूर छोड़ी। वो जुबली डायमंड याद है? वही डायमंड बेचकर एक ट्रस्ट की शुरुआत हुई, दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जिससे मुंबई में एक इमारत बनी जो हमारे हीरो हीरोइन के प्यार की निशानी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि 64,000 कैंसर पेशेंट्स, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि हर साल 64,000 कैंसर पेशेंट्स टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल विजिट करते हैं, और उनमें से 70% पेशेंट्स को उनकी सारी ट्रीटमेंट फ्री में मिलती है। जिस कैंसर ने मेहरबाई को हराया, उस कैंसर को हराने की जंग आज भी जारी, हमारे हीरो हीरोइन को गुजरे 90 साल होने के बाद भी। जब तक ये लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर से जीतते रहेंगे, तब तक कैंसर नहीं जीते। प्यार क्या होता है? एक सुंदर बिल्डिंग या फिर एक सुंदर सिंबल? एक बादशाह ने अपने बिल्डिंग से इतना प्यार किया कि उसे बनाने वाले हाथों को काट दिया ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर पाए। लेकिन दोराबजी ने कहा कि इस सिंबल की कॉपीज बनाओ। मुंबई में ही नहीं, कोलकाता में भी टाटा मेडिकल सेंटर है, वाराणसी, तिरुपति, भुवनेश्वर, रांची, प्रयागराज, मैंगलोर में कैंसर रिसर्च हो रहा है। सरकार के साथ हाथ मिलाकर आसाम, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में कैंसर फैसिलिटी नेटवर्क बन रहा है। क्योंकि सिंबल क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं, गिफ्ट क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये इम्पोर्टेंट। इस वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक झूठ बोला था कि दोराबजी और मेहरबाई टाटा की लव स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग नहीं, लेकिन ये सच है। क्योंकि आज जब भी कोई कैंसर से ठीक होकर घर लौटता है, तब उनके परिवार को एक हैप्पी बिगिनिंग जरूर मिलती है।
हमारे हीरो हीरोइन इस कहानी की हैप्पी एंडिंग देखने के लिए जिंदा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कहानी जिंदा नहीं। कहते हैं ना डायमंड इज फॉरएवर, लेकिन मुझे लगता है कि दोराब जी और मेहरबाई टाटा की लव स्टोरी हमें अगले पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत, उन्हें फॉरएवर के लिए याद रखने की जरूरत, क्योंकि प्यार क्या होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी लव स्टोरी जैसा प्यार सिर्फ कुछ ही लोगों को नसीब होता। ये लव स्टोरी अमर है क्योंकि ये लोगों को जीने का दूसरा मौका देती है। इस दुनिया को 1% ही क्यों ना हो ज्यादा प्यारा बनाता।